जमशेदपुर से जहां बच्चा चोरी के शक में बड़ा हंगामा हो गया। लोगों का बच्चा चोरी के शक में कार पर धावा लोगों ने बोल दिया। गांव वालों ने कार में सवार एक शख्स को बुरी तरह से पीट भी दिया। पिटाई में जख्मी शख्स की मौत हो गई। गांव वालों ने कार में भी आग लगा दी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है। बच्चा चोरी के शक में पूरा बवाल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। लोगों ने शक में बुरी तरह से उस व्यक्ति को पीटा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। साथ ही पास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। जमशेदपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। बच्चा चोरी के शक में पूरा बवाल हुआ। बच्चा चोरी के शक में 6 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। गांव वालों ने गाड़ियों में आग लगा दी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इससे पहले एक व्यक्ति की मौत की खबर थी लेकिन 6 लोगों को पीटा गया है, जो खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 6 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी और साथ ही गड़ी वहां पर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। 6 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर देने की खबर जगदलपुर से आपको हम बता रहे हैं। दरअसल बच्चा चोरी का शक था जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और 6 लोगों को बुरी तरह से पीटा और इतना पीटा कि 6ों की मौत हो गई। साथ ही गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जब लोग आक्रोशित थे उस वक्त की तस्वीर, बाद में पुलिस बल मौके पर तैनात और जब आग के हवाले गाड़ी को कर दिया गया, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात हो गई है। जगदलपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां बच्चा चोरी के शक में लोगों ने बच्चा चोरी के शक में 6 लोगों को पीटा जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये 2 घटनाओं में 6 लोगों की मौत की खबर आपको हम बता रहे हैं। जगदलपुर में जहां बच्चा चोरी की आशंका में बड़ी वारदात हुई है। अरे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें इस जिस तरह की घटना हुई है, निसंस जो है इस तरह की घटना की गई है, उसमें जो भी लोग शामिल होंगे उसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी। अभी जो भी व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, जो भी चिन्हित होंगे, उन सभी पर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दरअसल जगदलपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चा चोरी का शक हुआ जिसके बाद आम लोगों ने पीटना शुरू कर दिया लोगों को, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी इससे पहले, जहां पर बच्चा चोरी के शक में 6 लोगों की जान आम लोगों ने ले ली आक्रोश में आकर। हालांकि तनावपूर्ण हालात वहां पर बने हुए हैं जिसके बाद पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मुकेश इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, अभी ये पूरा इलाका जो है ये ग्रामीण इलाका है और अभी लोग पूरे सड़क को जाम किए हुए हैं और पूरा इलाका जो है अभी तनावपूर्ण है। अब बिल्कुल हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं मुकेश, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आपको शक भी था तो कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा जो मामला जो है वो सोशल साइट के जरिए शुरू हुआ। कई सोशल साइट पर ये अफवाहें आने लगी कि कई लोग ऐसे हैं जो बच्चा चोरी कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोगों के नाम दिए गए, ये लोग आपके गांव में इलाके में देखे जा सकते हैं और आपको अपने बच्चे को सतर्क रखना है, बचाना है। और एक तरह से कह सकते हैं पूरे इलाके में एक तरह से सोशल साइट के जरिए चर्चा चलाया गया कि बच्चा चोर गिरोह है वो आपके गांव में सक्रिय है। इससे क्या हुआ कि लोगों गांव के लोग पूरे दहशत में है और जो भी गुजरने वाले लोग वहां के बाहरी लोग सारे को वो उसी दृष्टि से देखने लगे मानो कि वो बच्चा चोर हो। और ऐसे में ये पूरा हादसा हुआ है, पूरा जो हादसा पूरा कल रात को हुआ है वो पूरा सोशल साइट के जरिए जो अफवाहें हुई उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। अब मुकेश, जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोगों के गुस्से का शिकार हुए हैं, पुलिस उनकी शिनाख्त कर पाई है, क्या उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड है या वो कौन लोग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? हाँ, जिनकी हत्या हुई है उनके नाम पुलिस ने शिनाख्त कर लिए हैं, जिनमें मोहम्मद नईम, सिराज खान, सज्जू, उत्तम वर्मा, गंगेश गुप्ता और एक अज्ञात है जिसको भी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है फिलहाल। ठीक है मुकेश, शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।